YouTube family, welcome back to my channel. I hope guys आप लोग पूरी कोशिश कर रहे होंगे fit and healthy रहने के लिए. So जैसा आप लोगों ने thumbnail में तो देख ही लिया होगा कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं. आज हम लोग करने वाले हैं traps का exercise. तो आप मैं कुछ आपको कुछ ऐसे variation बताने वाला हूँ जिनको आप आपके traps workout में add करके आपके traps को grow कर सकते हैं hook करके. तो जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि सिर्फ डंबल शर्ट्स ट्रैप्स के लिए सिर्फ डंबल्स को होल्ड करके और सिर्फ डंबल शर्ट्स करते हैं. सो एक वेरिएशन काफ़ी नहीं होता है किसी भी मसल्स को ग्रो करने के लिए. तो मैं आपको ऐसे तीन वेरिएशन बताने वाला हूँ, तीन ऐसे वेरिएशन बताऊँगा जो आपके ट्रैप्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए. सो विदाउट एनी टाइम पास चलिए स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रैप्स के लिए जो कि है हमारा सीटेड डंबल श्रग्स. ओके सो गाइस लाइट वेट से इसे स्टार्ट करें. आप किसी भी बेंच पर ऐसे बैठ जाइए, लाइट वेट ले लीजिए लाइक मॉडरेट वेट 10 kg के भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. एंड बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपका ट्रैप्स है वो थोड़ा पीछे की तरफ उसको शिफ्ट करते हुए लाइक दिस ऐसे कुछ रेज करना है. ओके एंड रिलीज पूरा करिए लाइक ओके. सो जितना ऊपर आप ऊपर लेके जा रहे हो उतना ही ट्राई करें कि नीचे की तरफ भी उसे रिलीज करें, तभी प्रॉपर पूरा ट्रैप्स का कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग दोनों ही होगी लाइक कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक बोथ साइड अच्छे से वो ट्रेन होगा, तब जाके वो मसल्स ग्रो होते हैं. ओके गाइस सो पीछे की तरफ अच्छे से उसको शिफ्ट करिए, रेस करिए एंड रिलीज करिए लाइक दिस. ओके सो जब भी आप रेस कर रहे हो ब्रीथ आउट एंड अपोजिट साइड ब्रीथ इन करेंगे. तो आते हैं अब हमारे सेकेंड एक्सरसाइज पे जो कि है हमारा बारबेल श्रग्स. सो बारबेल श्रग्स जो ये है बायलैटरल मूवमेंट हो जाता है, तो इस पे आप थोड़ा हैवी वेट को लिफ्ट कर सकते हैं. ओके सो आपको क्या करना है कि शोल्डर स्लाइटली सा वाइड ग्रिप करना है कुछ इस तरीके से, एंड जो आपका अपर बॉडी रहेगा वो थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट रहेगा. ओके सो कैसा रहेगा मैं एंगल चेंज करके भी आपको दिखाता हूँ मैं, लेकिन कुछ इस तरीके से आप सामने से देख लीजिए कुछ आपका ट्रैप्स ऐसे मैक्सिमम रेंज तक ऊपर लेके जाए लाइक कान के लेवल जो आपका एयर्स है उसके लेवल तक लेके जाइए. ट्राई करिए लिफ्ट करिए वहाँ तक के लिए एंड देन उसे आप रिलीज करिएगा. ओके सो साइड से भी कुछ इस तरीके से आपका अपर बॉडी थोड़ा आगे की तरफ डाउन रहेगा ताकि जो बार है वो प्रॉपर उसको वे मिले, क्लियरेंस मिले, उसका रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर क्लियर हो एंड ट्रैप्स का मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट हो. सो बारबेल श्रग्स से एक फ़ायदा ये होने वाला है कि आप मैक्सिमम पाउंडेज ऐड कर सकते हो आपको रेपिटेशंस में. सो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपके ट्रैप्स को ग्रो होने के लिए. एंड मेक श्योर कि गाइस कि आप जितना ऊपर लिफ्ट कर सकते हो उतना ऊपर तक लिफ्ट करिए एंड नीचे भी उतना ही छोड़ना है आपको. सो ये बारबेल श्रग्स भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके ट्रैप्स को बिग एंड बेटर बनाने के लिए. सो अब चलते हैं हमारे थर्ड वेरिएशन पे जो कि रहेगा हमारा केबल से लेंगे, बिकॉज केबल से क्या होता है केबल श्रग्स लेंगे. जो केबल से क्या होगा कि जो आपका इसेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक बोथ साइड आपके कंट्रोल रखना पड़ता है, सो मसल्स का इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम आ जाता है. बहुत से लोग केबल से श्रग्स नहीं लेते हैं लाइक बारबेल और डंबल से ही श्रग्स करते रहते हैं. सो ऐसा नहीं करना है, केबल से भी आपको मसल्स को ट्रेन करना है ताकि वो सब मसल्स भी इन्वॉल्वमेंट हो जो बाकी सब एक्सरसाइज में जो मसल्स नहीं इन्वॉल्वमेंट होते वो यहाँ पर भी हो. तो कैसा रहता है कि आपको बोथ साइड ग्रेविटी के अगेंस्ट एंड ग्रेविटी के साइड भी आपको कंट्रोल रखना पड़ता है, सो मसल्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है. ओके सो ऐसे अलग अलग वेरिएशन ट्राई करने से ही आपको हेल्प मिलेगी आपके ट्रैप्स को ग्रो एंड बड़ा दिखने के लिए. ओके गाइस सो कुछ इस तरीके से शोल्डर से स्लाइटली सा वाइड केबल को होल्ड कर लेना है आपको एंड अगेन ट्रैप्स को ट्राई करना है कि मैक्सिमम लिफ्ट करें एंड फुल रिलीज करना है. गाइस जितना एक बात ध्यान रखेंगे कि जितना ऊपर हम लेके जा सकते उतना ऊपर लेके आएंगे एंड नीचे की तरफ भी आपको उतना ही ऐसे छोड़ना है जिस तरीके से मैं यह कर रहा हूँ परफॉर्म कर रहा हूँ. सो गाइस जब भी आप ऊपर लेके जा रहे हो ब्रीथ आउट करिए एंड अपोजिट साइड में ब्रीथ इन करिए. सो ऐड करिए एक्सरसाइज को एंड प्लीज कमेंट करके बताइए कैसा रहा. सो जैसा आप लोग ने देखा कि हम लोग ने तीन वेरिएशन लिया लाइक जो डंबल श्रग्स लिया पहले बैठ के फिर बारबेल एंड देन केबल से. सो डंबल श्रग्स हम लोग ने बैठ के लिया, बहुत से लोग सिर्फ खड़े खड़े होके ही लेते हैं. सो वो हम लोग तो बारबेल पे हम लोग कवर कर लेंगे वो एंगल से ट्रैप्स को ट्रेन करने का, पर डंबल हम लोग जो बैठ के किया सो जो बैक साइड के ट्रैप्स है वो भी बहुत से लोग बिहाइंड करते हैं, सो वो नहीं करना है. हम लोग डंबल लेके बैठ के हम लोग बैक साइड उसे ऐसा
लिफ्ट करेंगे एंड जो पीछे साइड का मतलब ये साइड का ट्रैप होता है वह ट्रैप्स यहाँ से आता है, तो उससे अच्छे से वो ट्रेन करेगा। एंड डंबल आप लोग ट्राई करिए कि मॉडरेट वेट से ही करें, एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स कि आपका फोकस आपके ट्रैप्स पे रहे, एंड उसके बाद बाबर शक्स पे आएंगे। सो बाबर शक्स हम लोग शोल्डर्स वाइड जितना ही लेना है, एंड देन उसके बाद आपको पूरा एज मच एज लिफ्ट करना है, एंड जितना ऊपर लिफ्ट कर रहे हो उतना ही वो नीचे की तरफ भी पूरा रिलीज करना है। सो बारबेल में हम लोग का एक फ़ायदा ये है कि हम लोग उसमें ज़्यादा पाउंडेज ऐड कर सकते हैं बिकॉज वो बायलैटरल मूवमेंट है। सो ज़्यादा हम लोग उसमें पाउंडेज ऐड कर सकते हैं एंड ट्रैप्स को हैवी ट्रेन कर सकते हैं। सो हैवी में क्या होने वाला है, मसल थोड़ा ज़्यादा ग्रो होगा करके। एंड लास्ट जो हम लोग ने केबल शक्स लिया था, सो केबल का बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है बिकॉज वो दोनों साइड में ही हमें मसल्स को ट्रेन करता है, लाइक कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक बोथ फोर्स में हमें अच्छे से हेल्प करता है। कंट्रोल रखना पड़ता है तो ज़्यादा मसल्स ग्रो का, ज़्यादा मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो दैट्स इट। एंड बहुत से लोगों की शिकायत होती है, मतलब कन्फ्यूज़न है कि हम ट्रैप्स को कब ट्रेन करें। सो जो ट्रैप्स होता है वो हम बैक जब हम लोग का वर्कआउट कर रहे हैं तभी भी आप उसे ट्रेन कर सकते हो, अगर जब शोल्डर आप कर रहे हो तभी भी आप ट्रेन कर सकते हो। अगर बैक में आपको ट्रेन करना है तो बैक में करिए, शोल्डर में करना है शोल्डर, बट किसी एक दिन उसे आप ज़रूर ट्रेन करिए। एंड मेक श्योर कि सिर्फ डंबल शक्स के अलावा एटलीस्ट दूसरा वेरिएशन भी आप ऐड करें, जो मैंने तीन वेरिएशन बताया ऑल्टरनेट उसे यूज़ कर सकते हो आप, लाइक दो वेरिएशन इस वीक में किया एंड नेक्स्ट वीक में दो वेरिएशन, लाइक डंबल शक्स बारबेल किया एंड नेक्स्ट टाइम आप लोग जो बैठ के मैंने डंबल शक्स बताया वो और केबल शक्स को, सो ऐसे स्विच करते रहिए, किसी एक ही वेरिएशन पर नहीं रहना, हर वीक्स में थोड़ा अलग अलग वेरिएशंस को ट्राई करिए। सो ये सब जो एक्सरसाइजेस होते हैं वेरिएशंस, ये हेल्प करते हैं हमारे मसल्स को ग्रो होने के लिए। सो जैसा मैंने बोला कि आप कन्फ्यूजन क्लियर हो गया, बैक में भी आप कर सकते हो, शोल्डर में भी आप कर सकते हो, किसी एक दिन में आप करिए, पर मेनली वेरिएशन का हम लोग एटलीस्ट 3-3 सेट्स करेंगे और जो रेपिटेशन रेंज हमारा रहेगा 12-15 रेप्स तक। सो दैट्स इट, 10 फॉर द डे हम लोग आज पास ट्रैप्स का ही करने वाले हैं। So that's it, done for the day. So I hope guys आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करे, ऑब्वियसली आप कर रहे हैं, एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उनको भी सारे मसल्स कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे क्या क्या नहीं है, सब जो मैं वीडियो बनाता हूँ उनको भी पता चले क्योंकि काफ़ी लिमिटेड हो गए। सो शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।